नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्णन लर्निंग पे, जहां हम आपसे डिस्कस करते हैं सीएसआर नेट से रिलेटेड टॉपिक्स को और लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस का। तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीएसआर नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि इम्यूनोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। और यहां पर उन्होंने आपसे पूछा था कि मैनी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में टीसी सेल इनिशिएट्स किलिंग ऑफ टारगेट सेल वाया डिलीवरी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कुड इंड्यूस टारगेट सेल डैमेज डायरेक्टली। ओके, मींस दैट जो टारगेट सेल को किल कर देते हैं डायरेक्टली, नॉट वाया सिग्नल्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा ऑप्शन दिए हुए में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से और आपकी करी हुई स्टडी के हिसाब से, जो आपने पढ़ा है कि कौन सबसे अच्छे तरीके से उस सेल को किल कर देगा और डायरेक्टली सबसे जल्दी इंड्यूस होगा। तो यहां पर इन्होंने बात की है टीसी सेल की, टीसी सेल जिसके ऊपर CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उस वो रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करता है, MSC क्लास 1। तो मींस एट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उस एंटीजन को MSC क्लास 1 के थ्रू उस CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर के साथ बाइंड कराती है, और जैसे ये बाइंडिंग इंड्यूस हो जाती है तो वो इंड्यूस कर देती है सिग्नलिंग को कि इस सेल पूरी सेल को किल करना है उस एंटीजन के साथ, ठीक है, जिसको वो MSC क्लास 1 प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वहां पे सिग्नलिंग इंड्यूस हो जाती है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो बढ़ते हैं इसके पिक्चर की तरफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है किस तरह से किलिंग होती है, जहां पर आप देख सकते हैं रेड कलर से ये इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन MSC क्लास 1 के थ्रू उस एंटीजन को प्रोसेसिंग के बाद प्रेजेंट किया जा रहा है। ये टॉपिक्स होप्स हो आप लोगों ने पढ़े होंगे अच्छे से और आपको पता भी होंगे, ठीक है। MHC क्लास 1 एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है किसको टीसी सेल को, उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, और उसके ऊपर CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये एंटीजन उसको MSC और ये CD8 रिसेप्टर की बॉन्डिंग हो जाती है तो एक सिग्नलिंग इंड्यूस हो जाती है, और जैसे ही सिग्नलिंग इंड्यूस हो जाती है साइटोटॉक्सिक टी सेल परफोरिन और ग्रेनजाइम सेक्रीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये परफोरिन पोर्स क्रिएट कर देते हैं उस इन्फेक्टेड सेल में, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट कर देते हैं, और ये जो ग्रेनजाइम है वो उस तरह उससे इंटरनलाइज कर जाते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं टाइप के जो उसके अंदर जाके एपोप्टोसिस को इंड्यूस करा देते हैं थ्रू वेरियस सिग्नल्स, और उसके थ्रू सेल्स की किलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो जो भी साइटोप्लाज्मिक जो भी मटेरियल है पेरिप्लाज्म वो सब भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर प्रेजेंट है वो भी डैमेज होने लगेगी, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मेम्ब्रेन न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी ब्लैबिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी तरह से सेल को किल किया जाने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में कि सेल्स जो है पूरी तरह से श्रिंक हो गई है, चारों तरफ पोर्स बन गए हैं और एपोप्टोटिक बॉडीज आपको दिखाई दे रही है। इट मींस एपोप्टोटिक बॉडीज मतलब ब्रेक सेल, ठीक है, वो एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी जो रिसाइकलिंग के लिए जाएगी। तो एपोप्टोटिक बॉडीज बनना स्टार्ट हो गई और टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल वहां से हट जाती है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है, सेल्स को इन्फेक्टेड सेल को किल कर दिया है। ओके, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि परफोरिन और ग्रेनजाइम ही है जो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को किल कर सकते हैं, क्लियर। तो अब बढ़ते इसका क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ, ठीक है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में फोर्थ ऑप्शन ग्रेनजाइम, जो कि इसका सही आंसर है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली किल करता है डैमेज सेल को डायरेक्टली, दो है ग्रेनजाइम, यहां पर क्या है ग्रेनजाइम। और जो बाकी तीन ऑप्शन है
वो भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन गामा है, इंटरफेरॉन गामा का भी रोल होता है, इंटरफेरॉन गामा मेनली वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है, बट जो इंटरफेरॉन गामा है वो डायरेक्टली नहीं करता है, ठीक है, ये और सारे केमिकल्स को इंड्यूस करता है, डिफरेंट सिग्नल्स को इंड्यूस कर देता है जिसके थ्रू किलिंग होती है। और परोक्सीनाइट्राइल एक डिफरेंट टाइप का केमिकल है जिसका केमिकल फॉर्मूला ONOO नेगेटिव, ओके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स के रिएक्शन के बाद बनता है, और ये डीएनए डैमेज प्रोटीन डैमेज करता है वाया नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ दैट प्रोटीन और डीएनए मेनली प्रोटीन, ओके, और लिपिड का परऑक्सीडेशन भी करता है, बट यहां पर उसका कोई रोल नहीं है। फिर बात करते हैं लाइसोजाइम की, लाइसोजाइम आपको पता ही है कि सलाइवा टीयर्स इन सब में प्रेजेंट होता है, एक डिफेंस केमिकल है और डायरेक्ट इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये क्या करता है बैक्टीरिया सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है, जो एनएस्टाइल म्यूरामिक एसिड एंड एनएस्टाइल ग्लूकोजामीन जो बॉन्ड होता है सेल वॉल में, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बॉन्ड होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में उसको डैमेज करता है, तो लाइसोजाइम का वहां रोल होता है, इंटरलाइशन के बाद बॉडी के अंदर जब जाता है वहां पर इसका रोल नहीं है, वहां पर किसका रोल है ग्रैनजाइम का, जो डायरेक्टली इंफेक्टेड सेल को किल करती है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ग्रैनजाइम, ओके, सो होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस का सबसे पहले लाभ ले सके, ओके फ्रेंड्स, और अपने कमेंट्स और सजेशन देना बिल्कुल भी मत भूलिए, थैंक यू सो मच।